देखो जो भी पेशेंट आएगा सैनिटाइजर करो, सबके हाथों को सैनिटाइज करके लो और सबके मुंह को मास्क लगा के रखो। सैनिटाइजर हमारो सबके हाथों पे सैनिटाइजर। हाँ रुको, हाँ एक एक और एक एक मीटर का गैप रख के दो दो मीटर के गैप पे बैठो सब। डिस्टेंसिंग का सही तरीके से फॉलो करो और मुंह को मास्क रखो जिसके भी है तो सबके, और सैनिटाइजर सबके हाथों को करना कंपलसरी है, ठीक है। गवर्नमेंट के सारे इंस्ट्रक्शंस सही तरीके से फॉलो करो और एक 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 मीटर का गैप रखो, बीच में गैप रखो रही। झगड़ो उसको, झगड़ो झगड़ो उसको ना ना, बहुत मस्ती बता रहा हूँ। क्या कर रहा उसके आंग में, कहाँ से आया उन्हें, क्या कर रहा है उन्हें, आगे आके बोलो कैमरे के सामने। हाँ क्या हो रहा था, कौन है उसके साथ में, कौन आया वाला है? घर पे ये कर रहा था। हाँ तुम गली की कारपोरेटर है क्या, उसको लेके आए पकड़ के? हाँ क्या हो रहा है? वो एकदम कपड़े निकाल रहा था, कहीं कुछ सोचा रहा था, बोला था मुझे वहाँ जाने का, बिरयानी खाने का। हाँ। बिल्डिंग में किराए से रहता था वो, तो वहाँ जाने का बोला, बिल्डिंग में जाने का। हाँ और क्या हो रहा था? लकड़ियाँ खा रहा था? नहीं ऊपर से उड़ी मार रहे बोले बिल्डिंग पे। अच्छा बिल्डिंग पे से उड़ी मार रहा था, कैमरा बंदी है बोले मैं, बंदी है बोले। अरे कहाँ से पकड़ा उसको? वो मेरे साथ में रहता। कहाँ मिला था तूने? घर में है मेरे, वो मेरे घर में रहता है। घर में आके रहा उन्हें? तू मर गया ला है? कब मरा था, कितना टाइम हो रहा? मेरे बहुत दिन हो रहे। कितना टाइम हो रहा? मेरे को मालूम है, बहुत दिन हो रहे। कितना, एक साल दो साल एक महीना से हो रहा? एक साल हो रहा। अच्छा उसको बिल्डिंग पे कौन गिरा रहा? मैंने छोड़ देता उसको, छोड़ देता। क्या करने वाला था तू उसको? छोड़ देता उसको भाई। क्या करने वाला था तू उसको? उसको भाई कुछ नहीं कर रहा, साथ में रख रहा था उसको भाई। हाँ दारू कौन पी रहा उसके अंदर बैठ के? दारू भी वो पीला। और कुछ नहीं, छोड़ देता मैं उसको। बिल्डिंग में से खुद ही कौन मार रहा था उसको लेके? मैं मार रहा था भाई, लेके आ रहा था उसको ऊपर। छोड़ दे, क्या करना था, टुकड़े करा दूं? नहीं 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 छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, बस चले जाता मैं, छोड़ दो। कहाँ जाता अब जाके, दूसरे लोगों को ऐसे परेशान करता दुनिया में? हाँ नहीं अब नहीं करता, किसको परेशान, माफ कर दो मेरे को, छोड़ दो। बंदो उसको जकड़ के डालो कुत्ते से, जलाएंगे उसको। नहीं नहीं, लगा पूरी ताकत लगा तेरी, कितनी है तो लगा पूरी। कैसा करना अब इसको, छोड़ना नहीं छोड़ना अब उधर लोग? हाँ छोड़ो इसको, देखो लोग बोल रहे साथ में आवेल नको, छोड़ो बोल रहे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, चल जा मैं छोड़ दो। साईं साईं बोला, अभी तक कितने लोगों को मारा बिल्डिंग पे से गिरा के? नहीं मारा भाई, भाई नहीं मारा। हाँ फिर क्या कर रहा था तू? अरे उसके साथ में रख रहा था उसको भाई, बस। कौन था तू, मरने से पहले क्या नाम था तेरा? रहीम नाम है मेरा, रहीम नाम है। झूठ बोल रहा? रहीम नाम है मेरा। हमारे पेशेंट का क्या नाम है? रफीक, रफीक नाम है, बबलू बोलते। अच्छा तेरा क्या नाम था मरने से पहले? रहीम नाम था, रहीम। कैसा मारा था तू? जल्दी बोल, फिर गुस्सा आ रहा है, गुस्सा एक मारने लगूंगा। मैं टेंशन में मर गया था। कैसा मारा था तू? टेंशन में मरा मैं। क्या गया था टेंशन? कैसा टेंशन था? मैं रात का भंगी हूँ, टेंशन में मर गया। कैसे टेंशन में मरा था तू ऐसा? हाँ छोड़ दो, नहीं पूछो, नहीं को पूछो, छोड़ दो। नहीं 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 बोलना पड़ता, नहीं बहुत बुरा मारने लगूंगा। नहीं नहीं छोड़ दो, नहीं को ऐसा छोड़ दो, लोगों की जाना लेता वैसा पकड़ लेता। आप नहीं लेता, आप नहीं लेता। लोगों को जो जुलूम दे रहे उनके जाके जाना ले बिल्डिंग पे से गिरा के। नहीं आप छोड़ दो, आप छोड़ दो। हां मैं सही सही बोल, पहले तू मरा क्यों था, वजह बोल, वजह। टेंशन में मर गया मैं। क्या टेंशन थी वो? घर का टेंशन था मेरे, मर गया मैं। हां बस छोड़ दो। कौन से मोहल्ले में रहता था तू? कौन से मोहल्ले में? जल्दी फिर मारने लगूंगा नहीं तो। आप चल बोल जल्दी, कौन से मोहल्ले में मरा? उपाल नगर में मरा। मर के कितना टाइम हो रहा? साल होगा साल। कहाँ मरा बोल रहा हूँ? उपाल नगर।
मर के साल होगा, एक बार एक बार ना करो, एक साल बोले कौन मरा फांसी दे। क्या है तेरा नाम, सही बोल भाई। तेरे भाई का नाम क्या था? मालूम नहीं, ऐसा कैसा मरने के बाद भूल गया सब। अब पिलेगा उसको दारू ली देगा? नहीं वहाँ छोड़ दो, नहीं गिरा था उसको बिल्डिंग पे से? नहीं गिरा था, नहीं तो बकर दे, नहीं गिरा था, अब छोड़ दो। जोर से कर तो बकर, हाँ छोड़ दो, तो कर दो ना, तो से बोल तो बात होगा, हाँ तो बात होगा, अल्डा के बोल सबको सुने आना। नहीं शैतान है, अपनी ताकत लगा के बोल, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो बकर छोड़ दो, तो बकर दे, हाँ छोड़ दो, छोड़ दो, एक बार में तुम, अब नहीं करूंगा, छोड़ दो, सुने नहीं जाता। चल तुझे एक मौका दे रहा हूँ, बाहर जा और बाहर खड़े हो जा यहाँ पे, यहाँ पे खड़े हो मेरे फौज में, जो काम लगाए वो काम करना, अब दूसरा कोई इंसान को परेशान नहीं करना, जब मैं हुकुम दिया किसको मार, जिसको परेशान कर उसको परेशान करना, बिला वजह किसी को परेशान नहीं करना, समझ गया ना? छोकरे को दारू पीने भी नहीं लगाना, उस बिल्डिंग पे भी नहीं गिराना। सही बोला, अभी तक कितने जाना लिया तूने? नहीं लिया, नहीं लिया, पहला था ये, पहला था, पहला था। चल तो बाकर, तो बाकर, तो बाकर, जोर से बोल, तो बात हो, तो बात, तो बात, उठा दो ना हाथों से, तो बात, तो बात, तो बात, जोर से, तो बात, तो बात, तो बात, तो बाकर, तो बात, तो बात, तो बात, तो बात, हाँ अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, आप सही बोलिए, लड़के के आंग में किसने लाके डालेगा तुझे पकड़ के? नहीं हाँ, इन्हें आया था मेरे घर में, तेरे घर में आप क्या करो, मेरे घर में आया था, तेरे घर में क्या करा उन्हें जो तू उसको लग गया ऐसा? नहीं कैसे, क्या लगा तू? वो आ गया था मेरे पास में रात को 2 बजे, आया मेरे ऊपर, आया मैं उसे सता रहा था इसलिए मैं आया उसके साथ में। रात को कितने बजे ऊपर आ जा रहा था वो? मेरा घर है, सब मेरा है, सब कुछ मेरा था। आप छोड़ दो, आप नहीं करता, आप चले जाता। अब एक मौका तुझे दे रहा हूँ, एक ही मौका दूंगा, उसके बाद तुझे जलाने की पूरी कार्रवाई करूंगा। तोबा कर, अल्टा कर, तोबा कर, सब सुने आ रहा, तोबा, तोबा, सुने नहीं आ रहा, तोबा, तोबा, सुने नहीं आ रहा, तोबा, तोबा, सुने नहीं आ रहा मुझे, तोबा, तोबा, अरे वाह, नहीं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, आप नहीं करूंगा, तोबा, तोबा, क्या बोलते, तो तूने इसको पकड़ा कैसा था? इन्हें वजू से नहीं था, तारस से नहीं था, इन्हें रात को 2 बजे आया था मेरे पास में, वो मेरे को नहीं मालूम मैं कैसा था, क्या था, मैं आ गया उसके साथ में आ गया। बरोबर, मैं तारा से नहीं हूँगा, तू लग गाऊंगा उसको, है ना? पी के आया था क्या उन्हें, क्या तू ले जाके पिला रहा था? नहीं हुँ? नहीं, मैं आ गया उसके साथ में। चल अब पढ़, मैं क्या पढ़ा रहा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बोल जल्दी बोल, मैं टीपू सुल्तान का हजरत जो भी हुक्म दिए, उसकी तामील करूंगा, तामील करूंगा, ये मेरा, ये मेरा वादा है, वादा है, ये मेरा वादा है, वादा है। चल आप उसको छोड़, बाहर जा खड़े रहे, चल निकल जल्दी बाहर, जा बाहर, हाँ जा रहा, खुला है बाहर, उसको छोड़ के निकाल, हाँ 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 जा, छोड़ के निकल, हाँ जल्दी। जब भी मैं आवाज दिया अब्दुल रहमान हाजिर हो तो हाजिर होना फौरी, समझा ना? हाँ। जा बाहर खड़े हो, कौन बैठे हैं अगले, बैठो इधर सामने, डरो मत, कुछ नहीं करता, जा सकते, कोई मसला नहीं, जा, डरो मत, किसी को कुछ नहीं होता, जाओ आराम से, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप है ना डर में, क्या अस्सलाम वालेकुम, इतने दावा लाए कैमरा को, चलो अगले कौन बैठ रहे हैं, बैठो सामने, दरवाजा एसी चालू है, वो इसका क्या नाम था तुम्हारा पेशेंट का? रफीक नाम है उसका, बबलू बोलती थी।
पंजाब में रहते मेरे। ए रफीक, ए रफीक, अरे क्या होगा तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन है? मेरा भाई मोहसिन है। वो कौन है उधर? मुख कपड़ा बंद खड़ा। वो भी मोहसिन है। हाँ ऐसे कैसे जुड़वा है क्या दोनों? और पीछे का कौन है? मेरा भाई है यार। अच्छा ये कौन है? ये सिद्दीक है। अच्छा चलो आगा पूरा बोल, क्या हुआ था अभी, कुछ याद है क्या? हाँ क्या हुआ है? यहाँ कौन है? तो पानी कर दिया सिर पे, पानी पिया था कि भीगने को? पानी उठते हैं कौन ना भाई? यहाँ कैसे आ गया मियाँ तू? ये कौन सा दवा खाने यहाँ कैसे आ गया तू? पेट में दर्द हो रहा था बताने को आया क्या? क्या हो रहा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, यहाँ आया तो याद है क्या? कौन लाया यहाँ पे? सब बिगड़ में क्या? कैसा क्या है फिर? अरे सारा वो लाया। कौन लेके आया था? बोल रहा है ये उनका आदमी। अच्छा अब याद आया क्या कौन है सामने खड़े वाले? ये कौन है? बाबा सिद्दीक भाई। ये कौन है? मोहसिन भाई। अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? मेरा रफीक। चलो ठीक है, जब अब बाहर आगा सभी आप। तुम्हारे अभी आंग में आया था पूरा रिकॉर्डिंग लिया है, लिए शैतान मारने के वास्ते बिल्डिंग पे से गिरा के। वो क्या क्या वीडियो में देखना मालूम होता पूरी दास्तान। इस वास्ते क्या हमारे इधर घुमा रहे? इस वास्ते मैं बार बार बोलता शर्म करो, ताहरत से और तुम्हारा वजू से रहना नहीं होता। ताहरत और वजू का एहतमाम करो, और दुआ अल्लाह ने मोमिन के वास्ते हथियार बनाया है। इस वास्ते तुम्हारे वास्ते दुआ हथियार है। देखे ना, अगर उन्हें दुआ पढ़ के जाता था, अगर उन्हें ताहरत से रहता था, वजू से रहता था, तो कोई शैतान उसको लगता नहीं था, कोई शैतान की हिम्मत नहीं रहती थी। और दूसरी बात, उन्हें नहीं गया ताहरत से, उसको कौन सी बला लगी थी, क्या लगी थी, अब तुम देखो तुम्हारे सामने। मैं कोई जस्टिफाई नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो भी है तुम्हारे सामने आया गया लाए, वो लोगों ने पकड़ के, वो बोल रहे थे बिल्डिंग पे से खुद ही मार रहा था उन्हें उसको लेके उसके आग में आके। अगर तुम लोग पहले से दुआ पढ़ेंगे, पहले से तुम नमाज की तुम पाबंदी करेंगे, तो तुम्हारा ऑलरेडी ताहरत रहेंगे, ऑलरेडी वजू रहेगा, ऑलरेडी तुम नमाज की पाबंदी से वो रहेंगे, तो तुम महफूज रहेंगे हर चीज़ों से। जब तुम्हारा नमाज का शौक बढ़ेगा, तुम नमाज के करीब करीब जाएंगे, तो तुम्हारा खुद ब खुद अल्लाह ये सब चीज़ों से महफूज रखता। दुनिया में जो कहीं ज्यादा मौतें होती, तो नेचुरली मौत बहुत कम होती दुनिया के अंदर, वो तो होती मगर वक्त पे, उससे पहले ऐसे हराम मौत कर देते शैतान आंखों में लग के। तुम्हारा क्या मालूम कौन सा शैतान लगा क्या लगा उसको? यहाँ लाने के बाद पता चला सामने आया, लगे आला है, गिरा दे रहा बिल्डिंग में, तो वसवसे डालता दिमाग में, वो दिमाग में वसवसे डाल के खुद ही मारने लगा था, या कुछ भी सुसाइड करने लगा। देखो ना, वही खुद बोल रहा, मैं थोड़ी जस्टिफाई करता, तुम खुद देख लो। इस वास्ते इबादत के रस्सी को मजबूती से थामो, और दुआ मोमिन के वास्ते हथियार है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दुआ मुसलमान आज पढ़ना, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब पढ़ सकते दुआ, सब याद करो दुआ। तुम्हारे वास्ते सबके वास्ते आप रहमतुल्लामीन बनाकर भेजे गए अल, तुम लोग भी उससे महरूम नहीं रह सकते। तुम भी हिंदू लोग अभी घर से निकल रहे हो, दुआ पढ़ के निकलो, सब करो, सीखो। तुम सीखेंगे, करेंगे, पढ़ेंगे सब लोग घर से बाहर, अगर सही तरीके से निकलेंगे पढ़ के इबादत करके, तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, महफूज रहेंगे। तो खासकर मुसलमानों नमाज की पाबंदी ज्यादा करो, और दुआ तो हर कोई याद कर सकता और हर कोई पढ़ सकता तुम्हारी हिफाजत के वास्ते बनाने वाली है। और जादूगरों के पास मत जाओ, जादूगरों के पास जाने से तुम्हारा ईमान का भी खात्मा हो जाता, और उल्टा तुम्हारे पीछे नहुसती लगा देते वो, क्योंकि वो खुद नहुसती में डूबे आला रहता जादूगर, डूब के मार मार के, तो उसको कहाँ से फैज देने का? फैज सिर्फ अल्लाह के कलाम के अंदर है, अल्लाह की जो किताब है उसके अंदर फैज रखे अल्लाह ने। शैतान की लाइन पे और शैतान की पटरी पे फैज नहीं मिलता ना, वहां से तुम्हारा खाली जहमत मिल सकती, तुम्हारा वहां सिर्फ दुख मिल सकता शैतान की राह से, तुम्हारे को वहां से रहमत नहीं मिल सकती, फैज नहीं मिल सकता। फैज सिर्फ अल्लाह के कलाम के अंदर है। इस वास्ते इबादत के रस्सी को मजबूती से थामो, तो तुम सब वही पूछ रहे, बाकी किसका क्या जाने वाला? नहीं सुनेंगे, जिसपे बीतती उसको पता चलता, जिसपे बीतती उसको पता चलता, और जिसपे नहीं बीतती फिर उन्हें ऐसा बैठ के ठंडी छाव में बैठ के मजे लेता सबके। फिर जब उसको बीतती तो फिर उसको पता चलता कि हाँ ऐसे भी चीजें हैं और ऐसे भी चीजें रखा अल्लाह ने दुनिया में। इसलिए ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा मैं, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, बस इतना ही बोलूंगा। हर मर्ज की दवा है इबादत, इबादत ज्यादा से ज्यादा करो, दरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, चारो खुलैतल कुर्सी पढ़ के पानी दम करके पीते जाओ साथ साथ बार, तुम्हारे ऊपर कोई भी सहार होगा तो कट जाता जादू टोना। तो बस इतना ही बोलूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि दुनिया के लोग आपको खुशियार होगा, क्या बोलना तुम्हारे लोगों को, बोल के भी कुछ मतलब नहीं है। अमला करो रे, जरा अकल में बिठा के, ऐसे हल हो जाते। चलो इंशाल्लाह।
शक्कर में शक्कर मिला के पिलाओ उसको, घुमा दो उसको, दो टाइम मुक्काओ, चलो रोक दो। अब देखो अब उसको लेके आए, लेके आते उसके अंदर फौर यूज किया, मैं आया सवाल जवाब कर दिया, 10-14 मिनट के अंदर पूरा खेल होगा, खत्म चलेगा। किसी किसी का ऐसा रहता वन टाइम में हो जाता, किसी का दूसरे राउंड में होता, किसी का तीसरे राउंड में होता, सबका अलग अलग रहता और वो जादू टोनों पे डिपेंड करता। किसी का अगर जादू टोने के एतबार से है तो उसको फिर जलाना पड़ता कारवाई करा के, किसी का लगे आला है तो फौरी हाजिर होकर सॉल्व जवाब हो जाते। सबकी अलग अलग दास्तान रहती, किसी का फर्स्ट राउंड में आ जाता, किसी का सेकंड राउंड में, किसी का थर्ड राउंड में, कुदरत पर डिपेंड है। मगर इबादत कब तक बोलूँगा मैं, मसला ज्यादा से ज्यादा करो तुम लोग महफूज रहेंगे, बाकी तुमको नहीं पता इबादत क्या चीज़ है। तुम समझ रहे होंगे हम 5 मिनट सजदा कर ले रहे तो क्या हो रहा, मगर तुमको नहीं मालूम कितना बड़ा काम है, क्या तुम कर रहे हो, कैसी तुम्हारी भी हिफाजत होती, कैसा तुम्हारे प्रोटेक्ट मिलता अल्लाह की तरफ से। और एक बात के ऐसा रहता, अभी अब आया था उन्हें, अब बीच आया, अब बीच उसका रफा दफा हुआ, अब बीच क्या बोलते सब सामने आ गए पूरे बात। किसी किसी का ऐसा रहता, किसी के अलग रहते, सबके अलग अलग दास्तान रहती। चलो ठीक है, रोक उसको कहीं बुलाए थे, क्या हो रहा था उसको, कब से हो रहा था उसको ऐसा, आप भी लेके आए थे तुम्हारे पेशेंट को, कल से हो रहा, क्या हो रहा था उसको, हमें एकदम बिरयानी खाने का हाँ। भाग रहा था वो बिल्डिंग तरफ, मेरे को बिल्डिंग में जाने का हाँ। किराए से रहता था वो हाँ। बिल्डिंग तरफ जाने का, बिल्डिंग तरफ जाने का बोल रहा था, और मैं ऊपर से जाने वाला है, आज उड़ी मार देने वाला है तीसरे तालते से, ऐसा ऐसा बोल रहा था। अच्छा, कैसे भी डर रहा था, समझो कोई गाड़ी आ गई तो छुप जा रहा था, कोई आने पर अंदर भी छुप जा रहा था, हाथ लगाया तो डर रहा था, भाग रहा था, पकड़ पकड़ के उसको लेके आए। और वो क्या औरत को गिराया करते, क्या करते हाँ, औरत को कल गाड़ी से, औरत को गिराया गाड़ी थी से, ये कल से चोरी थी क्या उसको प्रॉब्लम, हाँ कल से छोड़ा था। अच्छा, और मरता बोल रहा था बिल्डिंग पे, हाँ बिल्डिंग पे तो खुद ही मार देता बोल रहा था, 3 तारीख तीसरी तारीख से आज मैं खुद ही मार देने वाला है बोली, मैं बिल्डिंग पे ले चल, और खाने को दिए तो खा रहा नहीं, सिर्फ बोल रहा गोश्त खाने का बोल रहा नहीं। अब देखें आप क्या था, तो आया ना सामने हाँ, तुम लोग क्या समझे पहले पहले ऐसे कुछ कर रहा समझे थे क्या, हाँ वो असल में नशा करता ना स्टार्ट से, तो दिमाग पे कुछ असर होगा, पहले तो स्टार्ट में वैसा लगा, गांजा दारू दोनों चीज़ें पीता था तो स्टार्ट में वैसा लगा, बाद में फिर वो बहुत ही अलग ही, कहीं पे भी गंदी जगह सो जा रहा, बिल्ली कर रहा, गंदी जगह कहाँ सो रहा, नाली के कोर सो जा रहा था, कहीं पे छुप रहा था ऐसा। अच्छा अच्छा, उन्हें अगर क्या बोलते तो उन्हें ताहरत से रहता था, इबादत करता था, अब जब उन्हें गांजा पीरा शराब पीरा बोले तो इसका मतलब तो सवाल ही पता नहीं था, उन्हें ताहरत और वजू से तो बहुत दूर हो गया। इस बात से तुम इबादत से दूर हो जाएंगे तो फिर क्या है, तुम्हारे को फिर ऐसे बलाओं है तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे खुद ब खुद, वो बला के फिर तुम्हारे को लेके जाते जाना, और तुम लोग फिर सोचते अरे रे बेचारा फिसल के गिर गया, कहेगी मरगा कहेगी, ऐसी दास्तान होती। और अगर नहीं पीता था, इबादत करने वाला रहता था तो कई को उसको शैतान लगता था, फौरी मेरे पास लाए बोल के अलग करो से बचाना, ही तो थोड़ा लेट हो जाते थे, दोनों गिरा के मार देता था बिल्डिंग पे या कहीं से भी गिरा के कैसे मारती थी, भला मुंह से बोल रही ना उसके अंदर आके, तो ऐसा रहता। ये सब बुरे चीज़ें हैं, शौक पानिया ये छोड़ो, इबादत का शौक पालो जो तुम्हारे दुनिया व आखिरत बना देता, समझ में आया ना, इस वास्ते ऐसे चीज़ों से दूर रहो। चलो बोलो, और कुछ बोलना है क्या तुम्हारे को, चलो ठीक है।